शिवराज केस का जो दावा किया गया है, जो हवाला दिया गया है, हरीश रावत केस का भी हवाला दिया है अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में, उन सब का जिक्र इस वक्त आ रहा है और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। अयोग्यता के मामले होने से फ्लोर टेस्ट नहीं रुक सकता, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी, अयोग्यता के मामले होने पर फ्लोर टेस्ट नहीं रुक सकता है, यानी क्या फ्लोर टेस्ट होगा? कल का जो दिन मुकर्रर किया गया है उसके संकेत इस वक्त मिल रहे हैं, थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है और उद्धव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शिवराज केस का हवाला दिया है। ऋत्विक हमारे साथ इस वक्त मंत्रालय से जुड़ गए हैं और संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आ रही हूं आपके पास गौरव जी, जल्दी से ऋत्विक आपके सब पास आते हुए। इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, बीते दिन से हिंदुत्व की पहचान बनाने की कवायद चल रही है, बीते दिन, जल्दी से एक सेकंड टोक रही हूं आपको ऋत्विक, जल्दी से संजय। अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बड़ी जोरदार दलील दी है और उन्होंने कहा है कि एनसीपी के दो विधायक कोविड संक्रमित हैं और कांग्रेस के दो विधायक देश के बाहर हैं। और जो चीज उन्होंने नहीं कही मैं ये बताता हूं कि और एनसीपी के दो विधायक जो मंत्री हैं वो जेल में हैं, उन्होंने भी याचिका लगाई है, नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने। और उनका ये कहना है कि हमने राज्यसभा में भी हम वोट नहीं कर पाए थे, विधान परिषद में भी वोट नहीं कर पाए, इसमें तो वोट करने की इजाजत दी जाए और हमें जेल से बाहर निकाला जाए ताकि हम विधानसभा जाएं और फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो हमें उसमें वोट देने का अधिकार मिले। यानी छह लोगों का हिसाब तो यहां हो गया, चार का हिसाब अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट को बता रहे, दो का हिसाब मैंने दे दिया। चार विधायक कोरोना पॉजिटिव है या दो विधायक कोरोना पॉजिटिव है संजय? इन्होंने कहा कि दो विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं और दो विधायक बाहर हैं, देश के बाहर हैं, वो गर्मी की छुट्टियों में गए, और दो विधायक जेल में हैं जो इनके मंत्री हैं सरकार के, नवाब मलिक। शिकायत तो ये थी संजय कि नवाब मलिक को अपनी ही पार्टी के लोग भूल गए सुप्रीम कोर्ट में, नवाब मलिक को अपनी ही पार्टी के लोग भूल गए। लेकिन चलिए, जब मामला फ्लोर टेस्ट का आया तो कम से कम सिंघवी जी ने उनको कोर्ट में याद कर लिया। बने रहिए आप हमारे साथ, फिर से इशारा कीजिएगा अगर कोई भी खबर आती है। राज्यपाल ने बिना सत्यापन के फैसला लिया, ये अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में कह रहे हैं। राज्यपाल की भूमिका को लेकर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं।